बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने 15 फरवरी को बड़ा ऐलान किया है, जिस कारण कैरिबियन और अमेरिका में ग्लोबल इवेंट में भारतीय कप्तान को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। दरअसल जय शाह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जून में आगामी T20 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तानी और कोई नहीं बल्कि रोहित शर्मा ही करेंगे और हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कहा, इस समय रोहित शर्मा सभी प्रारूपों के कप्तान है, यह एक सामूहिक निर्णय है और चयनकर्ता इस मामले पर पूरी तरह सहमत है। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप के लिए उप कप्तान के रूप में अपना पद बरकरार रखेंगे। उन्होंने आगे कहा, अगर आप अफगानिस्तान T20 मैच को याद करें तो हम 4 विकेट पर 27 रन बनाकर मुश्किल स्थिति में थे, लेकिन रोहित के उल्लेखनीय शतक ने खेल का रुख बदल दिया। हम उनकी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठा सकते। हालांकि हमने विश्व में लगातार 10 मैच जीते। साथ ही जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ी बात ही बोल दी है, जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और भारतीय टीम के कुछ सदस्य भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, मैंने 2023 वर्ल्ड कप के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, जिसमें हम अहमदाबाद में फाइनल हार गए थे। हालांकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भारत 19 जून को रोहित शर्मा की कप्तानी में बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। साथ ही आपको बता दें कि जय शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट में भाग लेने के लिए निर्देश देंगे। देश के कई टॉप खिलाड़ी आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए फिट रहने के लिए कथित तौर पर रणजी ट्रॉफी मैच खेलने से बच रहे हैं। जय शाह ने इस पर बोला, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं कल सभी खिलाड़ियों को निर्देश दूंगा कि यदि आपका कप्तान और कोच आपको खेलने का निर्देश देता है तो आपको उसका पालन करना होगा और रेड बॉल क्रिकेट में भाग लेना होगा। हालांकि बीसीसीआई सचिव ने ईशान किशन सहित किसी भी खिलाड़ी का नाम बताने से इनकार कर दिया जो IPL की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ईशान किशन के बारे में पूछे जाने पर कहा, वह एक युवा खिलाड़ी है, उसके नाम को मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये निर्देश सभी खिलाड़ियों पर लागू होता है, जिसमें अनुबंध के तहत शामिल खिलाड़ी भी शामिल हैं। आगे चलकर सभी खिलाड़ियों के पास घरेलू क्रिकेट में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा। ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।